नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रेलवे लाइन के पास दो अलग अलग जगह पर शव मिलने की सनसनीखेज खबर है। जीआरपी थाना ने एक शव को पंचकुला के सेक्टर 6 के अस्पताल में और दूसरे शव को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के अस्पताल में रखवा दिया है। पहला शव राम दरबार के फेस 2 के पास रेलवे लाइन के पास मिला, जिसमें एसएचओ जीआरपी थाना धर्मपाल ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि ट्रेन के आने से एक युवक की मौत हो गई है। सूचना पाकर हम मौके पर पहुंचे और शव को सेक्टर 32 के अस्पताल में रखवाया, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र 30 से 35 साल के बीच लग रही है। पहचान के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। दूसरा शव आईटी पार्क और इंदिरा कॉलोनी के बीच रेलवे लाइन पर मिला। मृतक के दाहिने हाथ पर टैटू बना हुआ है। एसएचओ जीआरपी थाना धर्मपाल ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि यहां पर एक शव पड़ा हुआ है। जब हमने मौके पर पहुंचकर देखा तो युवक की हालत काफी बुरी थी और हमने वहां से उसके शव को सेक्टर 6 पंचकुला में रखवा दिया। मृतक की उम्र 45 से 50 साल के करीब है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। हाँ जी सर, बताएंगे जैसे दो बॉडीज मिली हैं अलग अलग स्टेशन से, सर क्या मामला है, सर कहाँ कहाँ से मिली हैं सर? एक डेड बॉडी तो राम दरबार फेस 2 के आसपास से है, जिसकी वहाँ रेलगाड़ी के आगे आने से डेथ हुई है। किलोमीटर नंबर है रेलवे का 5 का 7-8। और एक डेड बॉडी मिली हमारे को आईटी पार्क और इंदिरा कॉलोनी के बीच है, रेलवे किलोमीटर 245 का 16-17। ये करीब 50-55 साल का है और जिसके ना हाथ पे है ना, दाहिने हाथ पे BA दिल के अंदर गुदा हुआ है। अगर किसी को इसके बारे में सूचना प्राप्त हो तो उसकी शनाख्त के लिए हमारे से GRP थाना चंडीगढ़ में आ सकते हैं और उसकी शनाख्त होने से उसके वारसों का डेड बॉडी हवाले की जाएगी। और अभी डेड बॉडी शनाख्त के लिए सिविल हॉस्पिटल और सेक्टर 32 चंडीगढ़ रखी गई है। 72 घंटे बाद इनका पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कराया जाएगा, लावारिस में नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।